हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है आईटीआई स्टूडेंट्स के ऊपर, जो जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया है या कंप्लीट करने वाले हैं, जो फॉरेन के बारे में जाने के लिए सोच रहे हैं, या फिर अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी हो, कतर हो, कहीं पे भी हो, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो मैंने बहुत मेहनत से ये जानकारी इकट्ठा किया है, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए ये वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल के अगर आप नए हो। ये वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो आईटीआई के ऊपर है, जिन्होंने आईटीआई अभी हाल ही में कंप्लीट किया है अपना, इनके पास कोई नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो ये उनके लिए वीडियो है। तो जो फॉरन में जाना चाहते हैं, देखिए अगर आपको दुबई में या फिर आईटीआई का तो स्कोप हर कंट्री में है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, दुबई में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दुबई में ये वर्कर्स की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती है। हर एक कंट्री में आईटीआई का स्कोप है। अगर आप अमेरिका में भी जाना चाहते हो या फिर कनाडा में भी, ये आपका आप अच्छी आपको नॉलेज है तो आप अच्छे वहाँ पर पैसे कमा सकते हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं अमेरिका में और कनाडा में जो आईटीआई जिन्होंने किया हुआ है, या फिर प्लम्बरी में, या इलेक्ट्रिशियन में, या फिर और कैटेगरी में, तो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, अभी सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, आराम से पैसे कमा रहे हैं, अपने अंडर 3-4 आदमी भी रखे हुए हैं उन्होंने, और अच्छे अब बैठ कर अपना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी उन्होंने लिया हुआ है। तो उन्होंने कैसे कैसे काम किया था वो आपको ये वीडियो में अभी बताऊँगा मैं। तो देखिए, अगर आपने अभी आईटीआई पास किया है तो सबसे पहले आप इसका एक्सपीरियंस लीजिए, यानी कि मान लीजिए आपने ये साल में पास किया या पिछले साल में पास किया, तो वो उसके ऊपर एक नॉलेज लीजिए, या फिर पहले आप अपने हाथ से काम करिए। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना ही आपका मकसद नहीं है, आपको वो काम में प्रिपेयर होना पड़ेगा, वो काम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अभी अगर आप किसी कंट्री में अप्लाई करने वाले हैं, तो अगर आपने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए आप आईटीआई है, आपने आईटीआई में दुबई में अप्लाई कर दिया, तो दुबई में जाकर वो आपसे एक्सपीरियंस आपको पूछ लेंगे, आपका सर्टिफिकेट देख लेंगे, फिर आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पर, आपको काम देखेंगे सबसे पहले, काम आपका मायने रखता है। अगर आपको उसका काम ही नहीं आता होगा तो फिर आप उनको क्या करके दिखाओगे, आपको सैलरी कैसे देगा, आपको 1 महीने में टर्मिनेट करके वापस भेज देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आप सर्टिफिकेट लेने के बाद आप यहाँ पे इंडिया में या फिर पाकिस्तान में, नेपाल में, या कहीं पे भी हैं आप, पहले आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए वो काम का, आईटीआई का, प्लम्बरी का, या इलेक्ट्रिशियन का, उस काम में बेटर बनिए। 1-2 साल 3 साल आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप अप्लाई कीजिए, उससे पहले अप्लाई मत कीजिए। हाँ, अगर आप आईटीआई हैं या फिर आप 10वीं प्लस 2 के बाद अभी आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप लेबर में जाओगे या फिर दूसरे काम में जाओगे या सिक्योरिटी में जाओगे, तो वो उसके वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास एक तरह का आईटीआई का नॉलेज है, आप किसी कैटेगरी में हो। तो अगर वो काम में जाओगे, आप सोच लो कि वो काम में जाकर आप आईटीआई का काम शुरू कर दोगे, दूसरा वीज़ा चेंज कर लोगे, तो ये बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, आप ये नहीं कर सकते हो। तो जो काम आपको आता है आप वही काम में जाइए, पहले आप अपना नॉलेज लीजिए वो काम का। यानी कि अगर आप आईटीआई में भी जाने वाले हैं तो आईटीआई में ही जाकर वो उसी फील्ड में काम करिए, पहले यहाँ पर एक्सपीरियंस लीजिए। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने पहले, उनसे गलती सेम गलती हो गया था, तो मुझे भी मैसेज आते हैं उनके भी, तो उन्होंने क्या किया, पहले आईटीआई किया था, उसके बाद उन्होंने वीज़ा लगा लिया किसी और कैटेगरी में, तो वो कैटेगरी में वे वो 2-3 साल वहाँ पे काम किया कंपनी में, उनको ऐसा लगा कि हम वीज़ा चेंज करवा लेंगे ये कंपनी में, या फिर वो प्लम्बरी का काम शुरू कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने जब उनसे काम करवा के देखा वो वाला, तो वो उनको काम ही नहीं आया वहाँ पर, प्लम्बरी का, आईटीआई का काम ही नहीं आता था उनको, तो उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था, तो उनको वापस भेज दिया। उसके बाद उन्होंने काम किया 2 साल, उसके बाद उनको वापस भेज दिया, क्योंकि वो काम में जाने नहीं चाहते थे। अगर जाना नहीं चाहते थे तो उन्होंने वीज़ा क्यों लिया, ये बाद में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब अभी आप सबसे पहले आपने आईटी कंप्लीट कर लिया, आप नॉलेज लीजिए, यहाँ पे इंडिया में काम करिए, पहले 1 साल 2 साल या 3 साल जितना आप काम कर सकते हो नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आप फॉरेन में अप्लाई करिए। फॉरेन में जब अप्लाई करोगे तो वही काम में अप्लाई करो जो काम आपने किया है, इसका स्कोप बहुत है, दुबई में भी स्कोप है, अमेरिका में, पूरा ऑल इंटरनेशनल स्कोप है आईटीआई का, बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपको इसमें बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। जो दुबई में इसका सैलरी है आईटीआई का अभी, वो लगभग जो सैलरी बेसिक स्टार्टिंग होती है 1600 से स्टार्टिंग होती है, 1500-600 तकरीबन इंडिया का 30-32 हज़ार रुपये आपके इन हैंड में मिलेगा 8 घंटे का, जो प्लस आप ओवर टाइम लगाओगे उसका अलग से मिलेगा,
तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो ये काम आपका कभी फेल नहीं होगा, ये लाइफ टाइम चलेगा प्लम्बरिंग का। आप अच्छे से काम करिए, पहले आप नॉलेज लीजिए वो काम का, नॉलेज लेने के बाद ही आप अप्लाई करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाकर आपको काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपका प्रैक्टिकल मांगते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपको वो फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा, तभी आपके हाथ में पैसा लगेगा। तो किसी काम में माहिर हो गए तभी आपको पैसा मिलेगा ना दोस्तों। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप मिसगाइड नहीं हुई है ITI के बारे में। तो मुझे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर ITI के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो सिर्फ ITI के ऊपर थी। तो अगर आप भी जाने वाले हैं तो प्लीज़, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने काम किया हुआ है या फिर आप अभी काम कर चुके हो तो अच्छा है, आप अप्लाई करके अभी जा सकते हो। अगर आपने अभी प्रैक्टिकली काम यहाँ पर नहीं किया तो प्लीज़ पहले प्रैक्टिकली काम करिए, थोड़े टाइम के लिए इंडिया में नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिकल काम कीजिए, हर हर एक चीज़ में बेटर बनिए, क्योंकि दुबई में और इंडिया में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है काम का। पहले आपको काम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंपनी आपका पहले काम देखेगा वहाँ पर, अगर काम आपको नहीं आएगा तो वो आपको वो निकाल देगा कंपनी से, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पहले वो चीज़ का आप नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए जो फॉरन में आदमी लोग बैठे हैं वो अभी जो सक्सेस है उन्होंने अपने काम पहले किया हुआ है, यहाँ पे भी काम किया है, प्रैक्टिकली भी काम किया हुआ है, किसी काम को उनको नॉलेज है। जो सिक्योरिटी और लेबर की बात है वो अलग होती है, वो अगर आपने नहीं भी किया हो तो वहाँ पे आपको जाके करना पड़े तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो उसका फील्ड अलग है, वो ये वाला फील्ड ITI का फील्ड अलग होता है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड में जो फील्ड में हो आप वही फील्ड में जाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें आपका सैलरी ग्रो होता रहता है, आपका टाइम टू टाइम ग्रो होगा इसमें। इसमें तकरीबन आप 70,000 80,000, इनमें दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई में आप कमा सकते हो 70,000 80,000 महीने का अपने हैंड में कमा कर देख सकते हो। इससे आपका जो रोज़ी रोटी है बहुत अच्छा चलेगा, और आप थोड़े पैसे इसमें बचत भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। पर आपको जो नॉलेज है वो पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फिर आपका ITI का वीज़ा लग जाएगा। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनसे मैंने बात की अभी ITI के रिलेटेड दुबई में, तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दिया जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ ये बीत चुका है, क्योंकि वो लोग ये बातों से निकल के आए हुए हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बोला है, उन्होंने बताया है, या फिर मैंने बात भी की ITI के वालों से, तो फिर तभी मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, जो सिर्फ ITI नॉलेज जिन्होंने ITI किया हुआ है या फिर नॉलेज ITI की। तो प्लीज़ पहले नॉलेज ले लीजिए किसी काम का, वो ITI फील्ड का, उसके बाद ही अप्लाई करके आप जाइए, उससे पहले मत जाइए तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे। तो मेरा वीडियो आपका ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए मेरी वीडियो को। आज का हमारा जो गोल है वो लाइक का, 1,000 लाइक का गोल है, मुझे पता है कि आप लोग कम्प्लीट करवा दोगे। और हमारा जो गोल है सब्सक्राइबर का भी गोल है कि हमको 5,000 सब्सक्राइबर गाइस पूरे करने हैं हमारे चैनल के ऊपर, ये भी मुझे पता है कि आप लोग करवा ही दोगे। तो उम्मीद है कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बेटर रहा होगा, तो प्लीज़ जो भी आपको कमेंट हो वो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो मैं उसको जरूर रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि मैं उसके ऊपर आपको नॉलेज दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं उस वीडियो के ऊपर आपको एक नॉलेज वाला इन्फॉर्मेटेड वाला एक जरूर बनाकर बता दूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी अगली वीडियो में।